गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो देख रहे हैं उसके हिसाब से। आज हम सेकेंड ईयर का जो आपका SOL और नॉन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कि कॉरपोरेट अकाउंट का असाइनमेंट है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि मैंने बोर्ड पे पहले से करा हुआ है और आपने उसे नोट किया खत्म। मैं उसे पूरा समझाऊंगा कि किस तरीके से किया गया है। जिस बच्चे को जैसे लगता है वो उस तरीके से उसको नोट डाउन कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज, क्योंकि मैं इसको पूरा डिटेल सॉल्यूशन करूंगा, तो आप सभी कुछ तो जो फेस टू फेस क्लास लेते हैं मेरे से, वो तो मेरे पास आते ही हैं। जो फेस टू फेस क्लास नहीं ले पाते और वो इस सॉल्यूशन को देखता है, देखने के बाद इन फ्यूचर जैसे आप फाइनल ईयर में जाओगे, इनफैक्ट चले गए फाइनल ईयर में, तो फाइनल ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैं क्लास लेके आ रहा हूँ ऑनलाइन, जो बहुत ही सस्ते रेट पे है और शिक्षाधाम.in पे आपको अवेलेबल होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल दूंगा, जिसके अंदर ये रहेगा कि एकदम नॉमिनल, सिर्फ नॉमिनल रेट होगा। और नॉमिनल क्या है, वो जैसे ही आपके वेबसाइट पे कभी विजिट करोगे, मैं नीचे लिंक दूंगा, आपको वहां पता चल जाएगा। तो अभी तो आप इंटरेस्टेड भी उसके अंदर क्या है कि अभी रिजल्ट आएगा तभी देखोगे, तो उन बच्चों के लिए है जो फेस टू फेस है वो तो हमारे पास आ ही रहे हैं। ये सबके लिए है, कहीं का भी हो, चाहे आपका दिल्ली का हो या फिर बिहार का हो, चाहे आपका गुजरात का हो, कहीं का भी हो, वो स्टूडेंट इसको अवेल कर सकता है बेनिफिट, और स्पेशली बेनिफिट पे आएगा ये। आपके असाइनमेंट में जैसे कि कहा हुआ है कि किसी दो क्वेश्चन के हमें आंसर करना है, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन इन ऑल। अब दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो सबसे पहले मैं दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन नहीं जानता, मैं और वाले और ये नहीं जानता, मैं तो सबके बारे में डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और हमें इसके अंदर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, यहाँ पे पांच जगह पे इस्तेमाल किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम को। पॉइंट नंबर 1, बायबैक के लिए। पॉइंट नंबर 2, आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अंडरराइटर कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। पॉइंट नंबर 4, सिक्योरिटी प्रीमियम पेमेंट करने के लिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। तो चार पांच पॉइंट है, आराम से आप कर सकते हो। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बायबैक ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी, कंपनी के क्या क्या एडवांटेज होती है, बायबैक करने से कंपनी का शेयर का प्राइस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो सारी चीजें आपको ये थ्योरेटिकल में मिल जाएगा। इसके बाद आपका है एक्सप्लेन द परचेज कंसिडरेशन AS4। AS4 एमलगेमेशन का है। यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन के क्या क्या आपको किस तरीके से करते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया था अलग अलग मेथड है। इसके अंदर आपका नेट एसेट्स मेथड है, नेट पेमेंट मेथड है, इसके साथ साथ आपका और भी है, मर्जर है, आपका एमलगेमेशन है, अलग अलग है, वो आप थ्योरी आप बुक में आपके अवेलेबल है, तो मैं थ्योरी को लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या मीनिंग होता है कि कैश कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ, इसके रिकॉर्डिंग बताना है। तो थ्योरिटिकल आप सभी को पता है और आप हेल्प ले सकते हो बुक का असाइनमेंट बनाने के लिए। मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक्स वाई एक्स लिमिटेड हुज इशूड कैपिटल 31 मार्च 2013। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और इस कंपनी के पास इसने पहले से नए शेयर नहीं है, ये पहले से ही इसने इशूड कहता है कंसिस्ट 24,000, इसके पास 24,000 10% वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक चीज मैं बता दूं, मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं कई बार क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि इसका भी रीजन है कि बोर्ड पे लिमिटेड स्पेस होता है और मुझे एक ही जगह पे सब कुछ करके दिखाना पड़ता है आपको, लेकिन असाइनमेंट में आप बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे प्रॉपर। मैं बताता जाऊंगा कि इसको प्रॉपर लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो प्रेफरेंस शेयर आपका 100 रुपीज ईच, और ये कहता है कि एक शेयर था हमारा 100। आगे कहता है 60,000 इक्विटी शेयर, और सेम कंपनी का पहले से 60,000 इक्विटी शेयर था एट 100 ईच।
इक्विटी शेयर था, ठीक है, और इस 100 में से ओनली 90 पेड अप है। 90 पेड अप का मतलब क्या होता है कि 90 रुपए ही कंपनी ने पेमेंट किए हैं। द कंपनी बैलेंस शीट ऑन 90 पेड अप द डिसाइड रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम 10, और कंपनी ने डिसाइड किया कि हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे। तो सबसे पहले बताओ, 60,000 इक्विटी है, 24 प्रेफरेंस शेयर है, तो हम रिडीम किसको करेंगे? 24 को, और एक शेयर 100 का है तो 100, यानी टोटल हमें कितना चाहिए? 24 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी हमें। और प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने से पहले हमें सीआरआर बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं बेसिक चीजें तो आप सबने कर रखा है, जिसने कर रखा है वो समझ रहा होगा मेरी बातों को, क्योंकि मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम नहीं ले सकता। तो 24 लाख रुपए की मुझे नीड पड़ेगी सीआरआर बनाने के। सीआरआर क्या होता है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। और कहता है भाई हम इसे भी जो पेमेंट करेंगे ना उसको करेंगे प्रीमियम पे, प्रीमियम पे पेमेंट करेंगे, और 10 रुपीज ईच प्रीमियम होगा, तो हमें प्रीमियम का पैसा भी इंतजाम करना है। तो 24,000 इंटू में 10 करें अगर, तो हमें 2,40,000 रुपए प्रीमियम की जरूरत पड़ेगी, और 24 लाख रुपए हमें उसके कैपिटल को वापस रिफंड करने की जरूरत पड़ेगी। द कंपनी बैलेंस शीट 31 मार्च 2013 शो जनरल रिजर्व 28 लाख रुपए। कोई चिंता ही नहीं है, ऑलरेडी कंपनी के पास जनरल रिजर्व है कितने का है? 28 लाख रुपए का, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें, तो 28 लाख का जनरल रिजर्व है। द रिडेम्पशन वॉज इफेक्ट पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू, और इसने बोला कि भाई रिडेम्पशन जो करेंगे हम उसके लिए कोई इक्विटी शेयर भी करेंगे फ्रेश इशू। अब क्वेश्चन में 12,000 इक्विटी शेयर बोला हुआ है, 12,000 इक्विटी शेयर और इशू करेंगे और ये फ्रेश इशू होगा एट 100, और बोलता है कि इसके अंदर इस पे भी प्रीमियम लेंगे 35 रुपए पर शेयर। ठीक है भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम 35 रुपए पर शेयर। द प्रीमियम पेबल रिडेम्पशन वॉज मीट टू आउट ऑफ प्रीमियम रिसीव न्यू शेयर। बोलता है कि भाई इस 24,000 का जो प्रीमियम पेमेंट करना है पुराने वाले रिडेम्पशन का, यहां से रिसीव करोगे ना आप? कितना रिसीव करोगे? 12,000 इंटू में 35, तो एक बार मैं आपको कैलकुलेशन भी बताता जाता हूं। तो यहां से आप नए शेयर से आपके पास प्रीमियम पता है कितने आएंगे? 12,000 इंटू में 35, 4,20,000। 4,20,000 जो प्रीमियम आपके पास आएंगे फ्रेश इशू करने के बाद, और देने आपको 2,40 है, तो इसी पैसे का इस्तेमाल करके प्रीमियम का पेमेंट करेंगे एंट्री। आगे 1 जुलाई 2013 में द कंपनी जनरल मीटिंग रिजॉल्व दैट द रिजर्व अप्लाई द फॉलोइंग मैनर। और 1 जुलाई को कंपनी का एक जनरल मीटिंग होता है और उसके अंदर कुछ डिसीजन लिए गए। जनरल मीटिंग क्या होता है? जब भी हम सारे शेयर होल्डर को एक जगह बुला के उससे कुछ खास बातों पर डिस्कशन करना होता है, और उस बातों से पूछा जाता है कि ये काम करें या ना करें और आप अपनी सहमति दे, तो उस स्थान को जहाँ पे ये डिसाइडेड होता है उसको वहां बोलते हैं जनरल मीटिंग का प्लेस, और सब मिल जाते हैं तो जनरल मीटिंग है वो। लॉ के अंदर आपका आता है क्वेश्चन जनरल मीटिंग के बारे में, तो मैं तो अभी अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। कहता है द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस, और उसके अंदर डिसाइड हुआ मीटिंग के अंदर कि बोनस 10 पर शेयर इक्विटी। कहता है द डिक्लेरेशन बोनस एट 10 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर पर्पस मेकिंग सेट न्यू शेयर फुल्ली पेड अप। कहता है कि द डिक्लेरेशन बोनस एट द रेट 10 पर शेयर। 10 पर शेयर का मतलब है एक शेयर होल्डर को 10 रुपए का बोनस दिया जाएगा फॉर द पर्पस मेकिंग सेड इक्विटी फुल्ली पेड अप। अब देखिए, समझिए बात को आप। आपको पता है कि हमारे पास एक पार्टली पेड अप शेयर है ना, एक पार्टली पेड अप शेयर, ये 90 रुपए पेमेंट किया था, तो इसी की बात कहता है। कहता है कि भाई इसको हम 10 रुपए का बोनस देके 10 रुपए का हम इसे दे देते हैं, और 90 रुपए को मान लिया जाएगा कि आपके फुल्ली पेड अप शेयर हो गए 100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब ये है। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कहता है? द इशू ऑफ बोनस शेयर टू ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर इन द रेशो, और बोलता है हम बोनस शेयर जो देंगे ओल्ड इक्विटी शेयर, तो देखो ये वाला तो हो गया हमारा ओल्ड और ये वाला हो गया हमारा न्यू, ऐसे हम समझ सकते हैं इसको। तो जो बोनस शेयर दिया जाएगा, देखो बोनस रुपीस में देना अलग बात है और बोनस शेयर देना अलग बात है, क्वेश्चन में दोनों चीजें बोला गया है।
तो जो बोनस यहां पे शेयर्स दिया जाएगा, कहता है 1 शेयर एवरी 5 शेयर हेल्ड बाय देम, यानी अगर मैं बोनस की कैलकुलेशन निकालू बोनस शेयर की, और बोनस शेयर कहां से दिया जाता है, सीआरआर से दिया जाता है हमारा, तो बोनस शेयर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 60,000 था और इसने बोला हर एक 5 के बदले 1, तो यानी 5 से डिवाइड कर दे, तो ये आ गया 12,000। 12,000 शेयर बोनस के दिए जाएंगे, एवरी 5 हेल्ड बाय देम, यू आर रिक्वायर्ड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम स्टार्टिंग से करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले फ्रेश इशू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको पता है कि न्यू इशू करेंगे तभी हम रिडेम्पशन कर पाएंगे। तो मैं करूंगा यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखो मैंने एप्लीकेशन ऐप लिख दिया है यहां, आपने पूरा लिखना है यहां पे। और कितने आएंगे आपके, लमसम पेमेंट है 135, 12,000 इंटू में 135 आना है यहां पे, तो है कि नहीं, 12,000 इंटू 135, तो 16,20,000, 16,20,000 बींग बींग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। ये वाला चैप्टर ना मैंने इतने डिटेल में करवाए हैं, जिस बच्चे ने भी कराया है स्पेशली इस चैप्टर को, जो शेयर एप्लीकेशन वाला होता है, वो बच्चा बोलता है कि सर मजा आ गया करके, अब लाइफ टाइम हम कभी भूलेंगे नहीं, इतने डिटेल में मैंने डिस्कशन किया हुआ है और मैंने वीडियो भी बनाया है। तो फाइनल ईयर के लिए आप तैयारी करो, ये तो आप अभी असाइनमेंट अपलोड करोगे, फाइनल ईयर के अंदर आपको जो क्लासेस है बहुत ही एक किफायती रेट पे और बेस्ट क्वालिटी के साथ मिलेगा आपको। आपको कहीं जाना नहीं होगा, जैसे अगर आपको मेरा टीचिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे लो क्लासेस, अगर आपको लगता है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, वो करो, इस सबसे मतलब नहीं है, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि वर्थ है तो उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो, मेरा मानना ये है। जैसे कि मुझे अगर कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि क्या कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक बार आपके डोर को नॉक करता है, और अगर आपने डोर ओपन करा तो आपके पास आ जाएगी, अगर डोर ओपन नहीं करा तो दूसरे का घर खुला हुआ है, दूसरे के दरवाजे पे चली जाएगी। लेकिन मुसीबत एक बार नॉक नहीं करता, जब तक घर के अंदर नहीं घुस जाता आपके दरवाजे पे नॉक करता रहेगा, खोलो अंदर आना है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं करता कभी। चलिए शेयर एप्लीकेशन, अब देखो मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं, और इनफैक्ट शेयर की जगह पे इक्विटी लिखो आप तो बेटर है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है ना, ऊपर भी इक्विटी शेयर करना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो मैं कितने शॉर्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां पे आ जाएगा 16,20,000 और ये आ गया 12,00,000 और ये 4,20,000। LF का कॉलम बनाना है जी, आपने बिल्कुल बनाना है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं बनाना है या नहीं बनाना है, बिल्कुल बनाना है, बींग शेयर या तो सिंपल इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अमाउंट एप्लीकेशन अमाउंट, एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल, थर्ड एंट्री। अब हम रिडेम्पशन करने से पहले सीआरआर बना लेते हैं, सीआरआर कितने बनेंगे आपके 100%। तो मैं अगर सीआरआर की कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो देखिए हमें चाहिए टोटल कितना, 24,00,000, और 24,00,000 में से ऑलरेडी हमने 12,00,000 का इंतजाम कर लिया है, तो नाउ नीडेड 12,00,000 ओनली सी आर आर, समझ रहे बात को, जितना मुझे सी आर आर में 100% चाहिए होता है फेस वैल्यू का, और अगर फ्रेश इशू जितना इशू करते हैं उसका हमें माइनस करके देखते हैं, तो 24,00,000 चाहिए, जिसमें से 12,00,000 का तो फ्रेश इशू ही कर दिया प्रीमियम हटा के,
अगर 12 लाख का फ्रेश इशू कर दिया तो और कितना नीडिड है बताओ? और सर नीडिड है मुझे कितने का? 12 लाख रुपए का। तो हम कहां से 12 लाख रुपए का इंतजाम करें? जनरल रिजर्व है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं होता प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन करने के लिए। जनरल रिजर्व रिजर्व क्यों होता है ऐसा सर? सीआरआर क्यों बनाते हैं सर, ये तो बताओ। ये सारी चीजें जब क्लास लेते हैं ना हम, तब मैंने डिस्कस किया, क्योंकि अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि इसको ज्यादा डिटेल में ले जाऊं, तो फिर आप परेशान हो जाओगे उस चीज को लेके। जनरल रिजर्व टू, और ये आ गया 12 लाख रुपए हमारे यूज हो गए 12 लाख। ठीक है बच्चे, बींग बताओ, कोई बता सकता है? जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर टू सी आर आर, सी आर आर ठीक है ना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फुल फॉर्म है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पूरा लिखना है आपने। फोर्थ एंट्री, अब फोर्थ एंट्री में क्या करना चाहिए बताइए सर? फोर्थ एंट्री में क्या करना चाहिए? फोर्थ एंट्री में इनको ड्यू करना चाहिए, बिल्कुल सही, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देखो मैं बहुत शॉर्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन असाइनमेंट में आपको पूरे लिखने हैं। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बीइंग बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर अमाउंट अमाउंट ड्यू। देखो मेरी राइटिंग तो इतनी साफ नहीं है, खैर आप तो अच्छे से लिखते हो तो कोशिश करिए कि आप एकदम नीट एंड क्लीन लिखें। मैं तो जल्दबाजी में थोड़ा सा जैसे समझ में आता है वैसे लिख रहा हूं मैं। अगली एंट्री पेमेंट कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, टू बैंक अमाउंट बताइए, पेमेंट क्या होगा? ओहो अमाउंट तो लिखा ही नहीं सर, ठीक है जी ओके लिख देता हूं, 24 लाख। इसके ऊपर 10%, 240, और ये आ गया 26,40,000। बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर अमाउंट पेड पेड 26,40,000, 26,40,000 ठीक है। सिक्स एंट्री, अब सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ कहां से बोला गया था? जनरल रिजर्व से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने खुद बोला था कि भाई जनरल रिजर्व से प्लीज मत करो, आप करो किससे? नई सिक्योरिटी प्रीमियम से, ठीक है तो नए वाला सिक्योरिटी प्रीमियम ध्यान से देखो कहां गया ये, इसको हमने क्या किया है क्रेडिट, तो यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम न्यू वाला, न्यू इशू का डेबिट हुआ, अकाउंट डेबिट टू, अब देखो यहां पे देना था, इसको देना है पेमेंट करना है, खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम ओल्ड वाले को क्रेडिट किया हमने, ओल्ड को क्रेडिट अकाउंट। अब देखो कई जगह मैं अकाउंट लगाना अगर भूल रहा हूं, डेबिट मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है वहां पे अकाउंट लगाना जरूरी है, जैसे यहां भी नहीं लगाया मैंने। इन सब बातों का ध्यान रखें, ठीक है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लगेगा इन सब के आगे। बीइंग सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ, ये लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम का रिडम्पशन हो गया कंप्लीट। अब हमें करना है बोनस इशू। बोनस इशू में एक तो 10 रुपए का करना है हमें फुल्ली पेड अप, यानी 10 रुपए के हिसाब से देखा जाए, हमें अगर फ्री में देने हैं 10 रुपए तो कैलकुलेशन लगाओ, 10 60,000 इंटू में 10, तो हमें 6 लाख रुपए तो फ्री के देने ही देने हैं। दूसरा हमें 12,000 इंटू 100 का बोनस शेयर देना है, यानी 12 लाख रुपए और फ्री में देना है।
तो देखो क्या करते हैं, इस हमारे पास CRR में तो 12 लाख है, मैं इसके लिए ये यूज कर लूंगा, ठीक है। इसको देने के लिए, बोनस देने के लिए क्या हो सकता है, बोनस इशू करने के लिए या तो मैं ऐसा कर लेता हूं, इसके लिए मैं GR यूज कर लेता हूं 6 लाख के लिए, और यहां पे मैं दो चीजों का इस्तेमाल कर लूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख तो है नहीं हमारे पास। अब मैं एक बार कैलकुलेशन समझा देता हूं क्या क्या होगा, एक बार इसको आप नोटिंग करिए और फिर मैं इसको आगे, इसे मैं अभी मिटा दूंगा, इसको नोटिंग कर लीजिए आप। नोटिंग करने के बाद फिर मैं यहां दोबारा कैलकुलेशन लेके चलूंगा कि कैसे कैसे बोनस शेयर इशू हो सकता है, ठीक है ना बच्चे। तो नोटिंग करिए फटाफट से अभी आप। वर्किंग नोट अच्छे से नोट करिए आप। डन। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं वैसे, हालांकि तो मैं यहां से इसे मिटाने जा रहा हूं, तो मैं इमेज भी वैसे डन, चलिए मैं इसे यहां से इरेज कर देता हूं। ये सारी चीजें नोटिंग कर लिए, मुझे थोड़ा सा याद है और मैं इसके लिए काम करता हूं। जनरल एंट्री करना है यहां पे, बस दो जनरल एंट्री और करना है, यहां तक हो गया हमारा फिनिश्ड, दो जनरल एंट्री। इसके लिए फॉर्मेट बना लेते हैं एक, आप इसको कंटिन्यू में करोगे। और एक क्वेश्चन और कुछ बच्चों का आ रहा था, सर कितने वर्ड में होना चाहिए? देखो प्रैक्टिकल में कोई वर्ड नहीं होता, एक क्वेश्चन आपका 3 पेजेस पे भी जा सकता है और एक क्वेश्चन आपका आधे पेज पे भी खत्म हो सकता है, हाफ पेज पे भी, ठीक है। सर बात तो सही कह रहे हो आप। चलिए जी, बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके सामने। COVID-19 में तो चलो जॉब तो बहुत जॉबलेस हो गए, लेकिन अब मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बट आप ठीक से मन लगा के पढ़ाई करो तो ठीक है। अब देखो ऊपर जर्नल एंट्री है, अब ये कौन सी कंपनी थी हमारी, ये कंपनी थी हमारी एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड नीचे लिखना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। फॉर्मेट तो एक मैंने बना ही दिया, डेट पर्टिकुलर ये सब बिल्कुल अच्छे, और उम्मीद है आप ऐसे ही करोगे। पर्टिकुलर्स जर्नल, ठीक है, एंट्रीज। चलिए अब मैं पहले कैलकुलेशन करूं। देखो हमें दो बोनस देना है, एक बोनस है हमें फुल्ली पेड अप बनाना है, जो कि हमें जरूरत है भाई 10 रुपए की, और इंटू में 60,000 शेयर अगर है तो 6 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी हमें। दूसरा बोनस की मैं अगर बात करूं, दूसरे बोनस की अगर सेकंड बोनस की मैं बात करूं, तो 100 रुपये और 12,000 शेयर निकाले थे हमने, जो कि होता है हमारा 12 लाख रुपए। 12,000 शेयर कैसे निकाले गए थे आपको पता था, पुराने शेयर होल्डर को देने थे, एवरी शेयर होल्डर जिसके पास 5 है, तो ये 12,000 आया था, तो 2 पैसे की जरूरत है। इस बोनस शेयर को देने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हमारे पास राइट है। एक सबसे पहले हम CRR को यूज करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करते हैं और GR को यूज कर सकते हैं, 3 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इस बोनस को देने के लिए नॉर्मली हम यूज तो कर सकते हैं अपने सिर्फ इस वाले फुल्ली पेड अप को बनाने के लिए हम CRR का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बोनस शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम GR। तो मैं ऐसा करता हूं, इसके लिए मैं प्योरली GR का यूज करूंगा, GR का। आपकी इच्छा है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करें, आपकी इच्छा है कि आप CRR का यूज करें, ठीक है, मैं GR का यूज करूंगा। पॉइंट एंट्री नंबर 7, मैंने पहले फाइनल कॉल मेक किया, शेयर फाइनल कॉल इक्विटी शेयर था ना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। याद आए कुछ? हम कहते थे भाई लाओ पैसे, लाओ जल्दी जल्दी लाओ, 6 लाख लाओ। अगली एंट्री क्या करते थे? बैंक से। तो अब बैंक में पैसा तो आएगा नहीं, तो जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बैंक होता था तो बैंक लिख देते थे बस, जस्ट 6 लाख रुपए। बींग भी लिख रहा हूं, चिंता मत करो आप। बींग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, बींग बोनस इश्यू, अ बोनस गिवन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, यानी ये लो जी, इस वाले बात के मुद्दे की बात खत्म। अब लास्ट पॉइंट रहता है, हालांकि क्वेश्चन में डेट भी है, तो आप कर सकते हो कि जिस दिन रिडेम्पशन, मैंने 1 2 3 लिखा है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। जैसे कि क्वेश्चन में कहता है कंपनी ने डिसाइड किया है रिडेम्पशन करने का 31/3 को, और बोनस देने का डेट डाला हुआ है इन्होंने। कब बोनस देने का इन्होंने डिसाइड किया है? 1 जुलाई 2013 में। तो 31/3 जनरल रिजर्व था लास्ट में, और 1 जुलाई, तो आप डेट डाल सकते हो। ये सारा काम काज जितने भी है वो 31/3 को कर सकते हो, और ये आप 1 जुलाई को कर सकते हो। बाकी डेट का ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे उसमें। नाइन नाइन एंड लास्ट एंट्री, हमें चाहिए 12 लाख। 12 लाख में ध्यान होगा आपको कि हमारे पास जीआर में 24 लाख थे, है ना? मैं कैलकुलेशन अगर देखूं तो 28 लाख, सॉरी। अब हमारे पास, मैं कैलकुलेशन देखूं तो मेरे पास जनरल रिजर्व में था, ये लो लाइन खींच दिया, कितने थे? 28 लाख। मेरे पास सीआरआर में है कितने हैं? 12 लाख। और मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में है 2,40 में से, सिर्फ मैंने 4,20 में से 2,40 यूज किया मैंने, तो कितने पड़े हैं हमारे पास? इसको नोट में लिखना है, वी अवेल बैलेंस है हमारे पास 4,20 माइनस में 2,40, यानी 1,80, ये अवेलेबल है। अब इन तीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है अगले बोनस को, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी नंबर 1 पे ये रहेगा, नंबर 2 पे ये रहेगा, नंबर 3 पे ये रहेगा। हमें चाहिए कितना? 12 लाख ही चाहिए, सीआरआर में तो है। तो मैंने एंट्री करा सीआरआर टू बोनस इशू, कितने का? 12 लाख का। ओहो सर, इतना आसान क्वेश्चन! बिल्कुल यही तो एग्जाम में आने वाला था क्वेश्चन आपके। चलो जी, बीइंग बोनस इशू, बोनस इशूड, 10th एंट्री, बोनस इशू अकाउंट डेबिट। देखो मैं कई जगह लगा नहीं रहा, आपको बड़े ध्यान देना है इस बातों का। अकाउंट बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने हो गए आपके इक्विटी शेयर कैपिटल? चलिए जी, 12 लाख। बी बोनस इशू ₹12 लाख, या फिर ₹5 ईच, एवरी 5 शेयर होल्डर टू गिवन ईच 1। ठीक है, लिख सकते हो यहां पे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ के जाता हूं, इसका सॉल्यूशन हो गया पूरा कंप्लीट, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा क्वेश्चन है एक जनरल नॉलेज, जिन बच्चों ने पूरे स्टार्टिंग से करा हुआ है, अच्छे से चैप्टर आता है। मेरा पूछने का मतलब यह है कि नए इक्विटी शेयर और पुराने इक्विटी शेयर, सारे इक्विटी शेयर को मिला के हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर कितने हैं? आप ये मुझे, अगर समझ में आ गया है आपको, तो जरूर आप कमेंट में लिख के बताएं कि हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर इतने हैं, नए वाले
पुराने वाले और बोनस, तीन तरीके के यहाँ शेयर है, टोटल करके बताना है। ठीक है बच्चों, चलो फिर हम सेकंड असाइनमेंट, दो क्वेश्चन करने हैं, एक और मैं क्वेश्चन करूंगा। वैसे तो मैं पूरा ही असाइनमेंट सॉल्व करूंगा प्रैक्टिकल के, क्योंकि मेरा काम है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और जिसको जो बेस्ट लगता है वो कर सकता है। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन किया है, इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन कौन सा करते हैं। ठीक है, नोटिंग करिए फटाफट। हाँ जी प्यारे बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करने का सोचा हुआ है कि मैं क्वेश्चन नंबर, आपको क्यों ना आसान सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए करा दूं पहले, फिर हम रिकंस्ट्रक्शन पे आएंगे। ठीक है ना, रिकंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन पे। चलिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक कैश फ्लो का है, एक है रेशो का। कहता है द नेट इनकम रिप्यूटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 1,10,000 रुपीज। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। ये हमारा अजम्पशन होता है कि ये आफ्टर टैक्स होगा, 1,10,000, इस वाले कॉलम में लिख देंगे। मैंने दो कॉलम बनाए, डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट 44,000, तो ऐड हो जाएगा प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, यहां पे लिख देते हैं डिटेल वाले कॉलम में 44,000। और तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना, और कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको टोटलिंग करते हैं। अरे बस, ये एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जामिनर चाहता है कि बच्चों के अच्छे नंबर आए, लेकिन बच्चे तो बोलते हैं कि हम तो नहीं लाएंगे, कितना भी कोशिश कर लो। 1,10 और 44, 1,54,000, ये क्या है हमारा, ये है कैश, नेट ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, कैपिटल चेंजेस, चेंजेस। ठीक है, इसके सामने टोटल लिखना है आपने, मेरे पास स्पेस कम है, आप तो पूरा यूज करोगे। इसके बाद आ जाता है हमारा अगला पॉइंट वर्किंग कैपिटल का। अब लगभग लगभग सारा वर्किंग कैपिटल ही है। चलिए, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, यानी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी एक्सेप्ट कैश, तो जो बिजनेस के लिए गुड है उसको माइनस करेंगे और बैड है उसको ऐड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं लेके चलता हूँ। तो देखो यहाँ पे चला कि बिगनिंग इधर है, एंडिंग इधर है। तो बिगनिंग कैश को तो छोड़ देते हैं, पहले 1,80 का डेटर था, फिर 2 का हो गया, तो डेटर, चेंज इन डेटर, चेंज इन, या फिर आप लिख सकते हो इंक्रीज इन डेटर, इन डेटर। आप मुझे बताओ, अगर बिजनेस का डेटर बढ़ता है तो बिजनेस के लिए क्या है, बताओ ना क्या है, बढ़िया है ना, गुड है, माइनस करिए 20,000, 20,000 माइनस में ब्रैकेट जरूर लगाना है आपने। इन्वेंट्री 3 लाख से 2,90,000, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री को स्टॉक के नाम से भी जानते हैं, 90,000 प्लस करिए 10,000, क्योंकि इन्वेंट्री कम हुआ, एसेट्स बिजनेस का कम हुआ, तो बिजनेस के लिए क्या है, बैड है, ऐड कर दिया हमने। प्रीपेड एक्सपेंस 16 से 15, ये भी डिक्रीज हो रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस 1,000 रुपये ऐड। अकाउंट पेबल, क्रेडिटर को हम अकाउंट पेबल भी बोलते हैं और ये बिल्स पेबल भी होता है काइंड ऑफ, 1,16,000 से 1,02,000, ये भी घट गया, तो ये लाइबिलिटी घटना तो बिजनेस के लिए क्या होता है, बताओ, लाइबिलिटी घट रहा है बिजनेस के लिए क्या है,
बोलते क्यों नहीं सर? लाइबिलिटी घटेगी बिजनेस के लिए, फायदा तो माइनस हो जाएगा। 1,16,000 माइनस 1,02,000, 1,16,000 माइनस 1,02,000, 14,000 रुपये माइनस ब्रैकेट, बस। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है बस। लो जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल गया, इनकम टैक्स पेड वगैरह है नहीं, तो क्या बताऊं इसका तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई इतना आसान क्वेश्चन है। मैंने कर दिया है वैसे, मुझे पता है आप चाहते थे कि ना करवाओ, खुद कर लिया भी होगा कुछ बच्चों ने। 20,000 प्लस 14,000 माइनस 11,000, 23,000 रुपये माइनस का, 1,54,000 माइनस में 23,000, 1,31। ये लो जी, इसी के आगे लिख देंगे कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, कोई वर्किंग नोट नहीं कुछ नहीं, इसके आगे लिख देते हैं कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेशन फ्रॉम, इसके नीचे इसके सामने लिखा होना चाहिए फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें माइनस कर देंगे हम इनकम टैक्स अगर है, वैसे तो है नहीं, मैं लिख रहा हूं बस, इनकम टैक्स पेड अगर पेमेंट हुआ है तो, है नहीं बिल्कुल जीरो है ये तो, चलो जी माइनस कर दिया। अब क्या आएगा? हाँ जी, इनकम टैक्स माइनस, माइनस के बाद आ जाएगा कैश, प्लस में है तो फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, माइनस में होता तो यूज्ड लिखते हैं, यूज्ड, ठीक है ना बच्चे? ये लो जी ए पार्ट का आंसर कंप्लीट। फटाफट नोट करिए, बी पार्ट में भी कुछ नहीं है ऐसा, फिर भी मैं कर देता हूं आपके लिए, क्रॉस वेरीफाई कर लोगे तो, बस जल्दी जल्दी से आप नोट करिए मन लगा के, और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। अब मैं फॉर्मेट भी एक बार समझा दूं, ये पूरे पेज पे होना चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नीचे एज एट आता है वहां डॉट डाल देना क्योंकि आपके क्वेश्चन में डेट नहीं गिवन, और उसके बाद ये सोल्यूशन पूरा करना है। ये हमारे देखा जाए तो ये मैंने ब्लू मार्कर से किया, ये हेडिंग्स है तो इसको आप कोशिश करो कि ब्लैक पेन से करो आप, और बाकी का ब्लू पेन से। बाकी इंस्ट्रक्शन मैंने आपको गिवन है कि भाई ब्लैक पेन से ही यूज करना है शायद, तो जो जो इंस्ट्रक्शन में आपके जिस जिस असाइनमेंट में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग चलना है, होगा, नोट करिए। चले अगले क्वेश्चन पे, यानी बी पार्ट पे। हाँ सर, बी पार्ट पे चलो, ओके मिटा देते हैं इसे। बी पार्ट पे कुछ असाइनमेंट में ऐसे है, असाइनमेंट करना कैसे, पहले क्वेश्चन लिखना उसके बाद आंसर लिखना है, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन नंबर वन कर दो और एग्जामिनर को पता है, क्वेश्चन लिखने हैं। फोर का बी पार्ट, ठीक है, ब्लैक मार्कर यूज करते हैं आपके लिए। कहता है फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड कैलकुलेट करंट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसका ए फर्स्ट पार्ट, करंट रेशियो, रेशियो पहले पूरा फॉर्मूला लिखना है, करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स, एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, पूरे पूरे वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। देन आपको कैलकुलेट करना है करंट एसेट, करंट एसेट, ज्यादातर स्टूडेंट CACL यूज करते हैं, आप पूरा लिखना है करंट एसेट, क्या क्या है भाई इसमें, करंट एसेट्स, नेट सेल,
नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बी आर, बी आर प्लस डेटर, डेटर प्लस स्टॉक, स्टॉक प्लस कैश का बैलेंस। पूरा डिटेल देना है क्योंकि ये ना आपका असाइनमेंट है, टाइम काफी ही दिया है। तो 2000 प्लस 8000, 10000 हो गए, प्लस 10000, ये लो 20000 हो गए, प्लस 6000, ये लो हो गए 26000, टोटल आ गया हमारा 26000। ठीक है, 10 और 10 20 और 6 26, ठीक है। अब निकाल लेंगे करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी पूरे लिखने हैं वर्ड आपको, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। क्रेडिटर हमारे हैं 12000 के और बीपी 8800 के हैं, 8800। अब मिसप्रिंट भी हो सकता है, शायद 8000 भी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, कॉमा लगाया है तो 8800 का है। टोटल आ गया 20800। नाउ आप फॉर्मूले में पुट करोगे करंट रेशियो इज इक्वल टू 26000 डिवाइडेड बाई 20800। अब तो कैलकुलेटर है तो 26000 डिवाइडेड बाई 20800, 1.25, 25:1। ठीक है, तो हमारा ये आ गया आंसर, ए पार्ट था ये, ठीक करेक्ट। अब करने जा रहा हूं मैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा देखें, बड़ा ही आसान है बी और सी पार्ट। तो नेट प्रॉफिट रेशियो सेकेंड पार्ट, स्पेस देख लेते हैं एक बार, सेकेंड पार्ट यहां कर देते हैं या ठीक है, दिख रहा है यहां पे हर किसी को साइड में, या फिर यहां पे स्पेस। चलिए असाइनमेंट कब, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो पहले मैं लिखूंगा यहां नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो नेट प्रॉफिट चलेगा, डिवाइडेड बाय सेल इनटू में 100। ठीक है, चलिए जी, अब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट पता है हमें, बिल्कुल नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट गिवन है हमें 6000 और इसके बाद हमें सेल्स भी गिवन है, नेट सेल्स, नेट सेल्स है 140, 140। नाउ फॉर्मूले में पुट करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, पूरे लिखने हैं आपने वर्ड, नेट प्रॉफिट रेशियो 6000 डिवाइडेड बाय 140 इनटू 100। कैलकुलेशन करिए फटाफट से आप भी साथ के साथ, ये आ गया 4.28, 4.28%। तो लो जी, नेट प्रॉफिट रेशियो भी हो गया। अब लास्ट थर्ड पार्ट है जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो थर्ड पार्ट यहां कर देते हैं, ये लो इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, थर्ड पार्ट जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, मेरे पास स्पेस कम है, मैं जीपी लिख रहा हूं, आप ग्रॉस प्रॉफिट लिखना, डिवाइडेड बाय नेट सेल, नेट सेल इनटू 100
इनटू 100 चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 10,000, 10,000 ही गिवन है ना? हाँ जी। नेट प्रॉफिट, नेट सेल क्वेश्चन में गिवन था 140। रेशो ग्रॉस जीपीआर इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 140 इनटू में 100। चलिए 10,000 डिवाइडेड बाय 140 इनटू में 100, 7.14, 7.14%। तीन डिजिट भी ले सकते हो, 15 भी कर सकते हो परसेंटेज। ठीक है तो दो क्वेश्चन हो गए हमारे असाइनमेंट के, क्वेश्चन नंबर मैंने 2 किया और क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है हमारा किस पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 3, रिकंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है जल्दी जल्दी फटाफट से नोटिंग करिए आप इसका एक बार।